अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी तस्वीरों और वीडियोस में देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? पृथ्वी के आसपास या ऊपर नीचे कोई चीज मौजूद नहीं है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी रहे, ना ही धरती किसी डोर या धागे से बंधी हुई है। तो फिर कैसे यह नीला ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए निरंतर एक ही गति में चलता रहता है? के बीच परिवर्तन संभव हो पाता है। 24 घंटे में पृथ्वी के एक बार घूमने की इस प्रक्रिया को रोटेशन कहा जाता है। वहीं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक साल में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो उस प्रक्रिया को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी समेत प्रत्येक ग्रह को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे हुए है, जिसकी वजह से सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सूर्य ने इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे तैयार किया होगा? चादर पर फेंक दिया जाए तो उसके वजन से चादर में गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में बनाए गए इस गड्ढे की वजह से उसके आसपास मौजूद छोटे ग्रह उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य का वह गड्ढा एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सौर मंडल के ग्रहों को एक ही स्थान पर बंधे रहने का क्षेत्र मिल जाता है, जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। ऐसे में धरती के अंतरिक्ष में टिके होने का कारण सूर्य की मौजूदगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल और उसके द्वारा निर्मित हिल स्फीयर रीजन जिम्मेदार है, जो इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी को एक ही जगह पर ठहर कर परिक्रमा करने के लिए स्थान प्रदान करता है। सूर्य में क्यों नहीं समाती पृथ्वी? अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है।
लेकिन इस जवाब के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को बांधे हुए है तो पृथ्वी या दूसरे ग्रह उसके अंदर क्यों नहीं समा जाते। दरअसल सूर्य का आकार एक विशालकाय गोल गेंद की तरह है जिसके चारों तरफ मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण होता है। ऐसे में पृथ्वी जिस दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है उससे पृथ्वी पर परपेंडिकुलर बल पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर सूर्य अपनी जगह पर